नए राजस्थान के निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है और इसलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्रमिक कल्याण की कई योजनाओं का आगाज किया और जिससे श्रमिकों का जीवन बेहतर और खुशहाल बना। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे हर वर्ग हर तबके का ख्याल रखती हैं। 36 कौमों को परिवार मानने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मानना है कि नए राजस्थान के निर्माण में श्रमिक भाइयों का अहम योगदान है और जब तक श्रमिक वर्ग खुशहाल नहीं होगा तब तक खुशहाल प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के श्रमिकों के बेहतर जीवन स्वास्थ्य के साथ साथ उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का आगाज किया, जिनमें निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुमार है। आज संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उनके परिवार को इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। सरकार के द्वारा श्रमिक कार्ड के तहत मेरा पंजीयन हुआ है, जिसके बाद मेरे बच्चों को छात्रवृत्ति और मेरी लड़की को शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपये मिले हैं और सुलभ आवास योजना के तहत मेरे को 1.5 लाख रुपये का अनुदान मिला है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी महोदय का मेरे परिवार सभी अभिनंदन करता हूँ। पिड़ाव का रहने वाला हूँ, ऐसे से मजदूरी करता हूँ और राज्य सरकार द्वारा जो चलाई गई श्रमिक कार्ड की योजना उससे मजदूरों को काफ़ी लाभ मिला है। उसके लिए महारानी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य के सभी पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया ताकि उन्हें लोक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजना का पूरा लाभ मिले। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजनाओं का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का हर श्रमिक खुश भी है और खुशहाल भी।